नमस्कार दोस्तों आज डेट है चार जून देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इम्पॉर्टेंट है एडिटोरियल डिस्कशन में हम आज दो दो आर्टिकल डिस्कशन करेंगे पहला जो आर्टिकल होगा वो सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा ठीक है सोशल मीडिया कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पे इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या क्या प्रॉब्लम है इस इसमें ये सारी चीज़ों को देखेंगे सोशल मीडिया में दूसरा जो होगा वो लचीला स्वास्थ्य क्षेत्र में ना देखभाल के लेके होगा इसमें राइटर कुछ सजेशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से इसको डेवलप करना चाहिए ओके तो आज दो आर्टिकल देखेंगे पहला आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं पहला जो डिस्कशन के लिए आर्टिकल है वो है सोशल मीडिया से रिलेटेड ठीक है इसको आप जीएस पेपर टू से भी रिलेट कर सकते हो थ्री से भी जीएस पेपर थ्री में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं ठीक है और राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासन से भी कर सकते हैं ओके देखिए संदर्भ क्या है संदर्भ यह है कि हाल ही में आपको पता होगा कि तीन महीने का सरकार के द्वारा मोहलत दिया गया था जो छब्बीस तारीख को पूरा हो चुका है आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पोस्ट में इंस्टाग्राम पोस्ट में कि सरकार क्या कर रही है अब सोशल मीडिया को बैन कर देगी बंद कर देगी ठीक है ऐसा नहीं है सरकार अभी सोशल मीडिया को बंद नहीं करेगी ठीक ये अभी फिर से इन्होंने मोहलत मांगा है इन्होंने गवर्नमेंट ने आई नियम लाए हैं ठीक है आई नियम लाया है नया आई नियम जिसके तहत हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसको इम्फेक्ट ना पड़े ठीक है राष्ट्रीय सुरक्षा आंतरिक जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ये प्रभावित ना हो इसके द्वारा ही लाया गया ओके okay. देखिए इसमें क्या है कि फेसबुक ट्विटर एक तरह से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन के आया है जो लोकतांत्रिक में आपको आवाज़ उठाने का ठीक है आपको पता है कि लोकतंत्र में तीन स्तंभ माना जाता है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो माना जाता है वो मीडिया को माना जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी जो एक नया कॉन्सेप्ट आके आया है वो है सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया जो है जिसमें आप कोई भी आवाज़ अपने उठा सकते हैं अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको रख सकते हैं हमने महामारी के समय में बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखा ठीक है बहुत सारे ऐसे न्यूज है जो सामने आया फिर जाके गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले पाई जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि कहीं पर वेंटिलेटर का कमी है ऑक्सीजन के लेके तो अभी एक कैंपेनिंग चलती है एक दो ग्रुप में हम भी हैं जहाँ पे उसको क्या किया जाता है हम लोग प्रोवाइड करने के लिए राइट ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेटर प्रोवाइड करने के लिए कार्य करते हैं सभी मिल तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा है एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ठीक है ये थोड़ा सा केस स्टडी के लिए होगा फिर मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूँगा एक हमारे स्टूडेंट है ठीक है वो टीचर है राइट तो उन्होंने बताया यूपी में उन्होंने बताया कि सर हम लोग ने एक डेवलप किया है एक सिस्टम ऐसा कि जिसमें हम सारे चीज़ों को सभी टीचर ठीक है सभी टीचर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ठीक है एक, एक ग्रुप में एक टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुए हैं जिसके माध्यम से जिसके सोशल मीडिया में ज्वाइन हो गए जिसके माध्यम से हम जो अभी का आपको पता है कि चुनाव जो होया था उस उसमें बहुत सारे टीचर का डेथ होने का समस्या आया था उनमें क्या करता है उन टीचर को ना जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी फैमिली को ये सपोर्ट करते हैं बहुत कम अमाउंट सौ सौ रुपया करके ये जमा करते हैं और जमा करने के बाद दस लाख तक इनके पास जमा हो जाता है दस पंद्रह लाख बीस लाख ठीक है बीस लाख तक भी इनको देता है तो ये कितना हेल्प है हाँ समझिए कि एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सौ रुपया कर के एक परिवार पड़ को बीस लाख का इस आपातकालीन स्थिति में योगदान होता है ये बड़ी बात है ये आप केस स्टडी में डाल सकते हो राइट देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं राइटर ये कि पूंजीवादी और सूचना जो उप उपनिवेशवाद है उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोकतंत्र में ओके राष्ट्रीय सुरक्षा कानून शासन इनको लेके समानांतर इशू चलती रहती है तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया लेकिन सोशल मीडिया का जो हाल ही में दुरुपयोग होना स्टार्ट हुआ था जिससे कि हमारा राष्ट्रीय जिसकी हम जिससे हमारा सोवर्निटी में प्रॉब्लम आया था ठीक है हमारा सोवर्निटी संप्रभुता पे प्रॉब्लम आया था उसके बाद हमारा जो आंतरिक सुरक्षा है आंतरिक सुरक्षा पे इशू आया था जैसे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के किसान आंदोलन के दिन कैसे 26 जनवरी को मार्क्स लेवल पे सभी आके मार्क्स लेवल पे सभी आके भीड़ आके दिल्ली में कुछ तोड़फोड़ की उसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली कांड जो हुआ था जिसमें एक सोशल मीडिया के पोस्ट से ही पूरा भीड़ भड़क उठी ठीक है यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें जब सी ए का टाइम चल रहा था तो ये सारे चीज़ें इसमें इशू है प्रॉब्लम था सोशल मीडिया को इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए स्कीम या योजना लेके आई है नीति लेके आई है जिसके माध्यम से सभी को तीन महीने का मोहलत दिया गया था सभी सोशल साइट को इस तीन महीने के अंदर आप क्या करो कि अपना इसी अकॉर्डिंग जिस जो गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाया गया था ये नियम के अकॉर्डिंग क्या करें अपने नियम को अपना प्लेटफॉर्म को ढालें इसमें देखते हैं चिंताएँ है, क्या क्या है प्रॉब्लम क्या क्या था प्रॉब्लम था कि देखो क्या है कि सोशल मीडिया और मीडिया जगत में ना मीडिया जगत को ये माना जाता है क्या कि ये अच्छा कवरेज निकालेगा इस पर अच्छे पहले मंथन होता है जैसे आर्टिकल होता है न्यूज का ठीक है इस पर राइटर जो होते हैं पहले रिसर्च करते हैं अच्छे से सोचते हैं फिर जाके हमारे सामने इशू को लाते हैं है। तो लेकिन सोशल मीडिया में इन चीज़ों की कमी है ठीक है गहराई के अपेक्षित गति का प्राथमिकता है ही नहीं ओके बुनियादी स्तर पर सोशल मीडिया में जो भी है गहराई गहरे जो कवरेज है ना उनकी अभाव चलती है ठीक है व्यवसायकरण स्टार्ट हो गया टीआरपी टीआरपी का चक्कर चल रहा है अभी फॉलोअर बढ़ाना ये सारे चीज़ें सब्सक्राइबर बढ़ाना ये सारी चीज़ें चल रहा है जिससे कि सही कंटेंट सही जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जनता तक नहीं पहुंच पाता लोगों तक नहीं पहुंच पाता उनके पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है राइट दूसरा जो है पारंपरिक मीडिया से अलग है ये जो मीडिया है सोशल मीडिया पहले जो हमारा पे, पेपर मीडिया रहता था ठीक है और जो फिर टेलीविज़न मीडिया है ये उससे अलग है राइट <coughs> सॉरी ये उनसे अलग है इनमें क्या कहा जाता है कि बिजनेस मॉडल को अपनाया गया है ये एक मॉडल आपको मॉडल ऐसा बन गया है कि सिर्फ बिजनेस के लिए करेंगे राइट टी आर पी बढ़ना के के पास सब्सक्राइबर बढ़ता है तो सारी चीज़ क्या है कि यदि आप मिर्च मसाला वाला न्यूज लाओगे तभी जाके लोग ज्यादा से ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे आप यदि नॉर्मल न्यूज लाते हो तो जो कंटेंट वेस होता है आपको फैक्ट नहीं पता हो तो आप एक एक बार देखिएगा किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल का व्यू देख लीजिएगा और आर एस टी वी जो है गवर्नमेंट का जो टी वी है डी डी न्यूज़ इसको देखिएगा दोनों का व्यू में आपको कितना डिफरेंट लगेगा पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ किस न्यूज का ज़्यादा फैलाव होता है राइट तो ये पारंपरिक इधर उधर की बातें को केंद्रित करती है जहाँ से मिर्च मसाला वाले उसके बाद ये जो सोशल मीडिया साइड है ये क्या करते हैं आपको पता है ये रिसर्च करवाते हैं मानव का मनोविज्ञ भी, मनोविज्ञान के ऊपर निवेश करते हैं ये इन काम पर देते हैं कि देखिए कि ये जो व्यूअर है मान लेते हैं कि ए ठीक है ए जो व्यूअर है वो किस तरह का न्यूज़ देखना पसंद करता है किस तरह का न्यूज़ देखेगा तो ये जो इनके एल्गोरिज्म है एल्गोरिज्म को डेवलप करता है जिस तरह का न्यूज है उसी तरह से उनके पास परोसा जाए राइट उसके बाद है ऐसा इको चैनल बना दिया जाता है ठीक है चैम्बर इको चैम्बर बना दिया जाता है कि आप कहीं भी जाओगे इसी तरह का नहीं जाएगा कहीं भी जाओगे तो यदि आपको देखना पसंद है अभी कोविड के लेके ठीक है आप बस कोविड के लेके देखेंगे तो जहाँ पे भी जाओगे कोरोना से रिलेटेड ही आपके पास नहीं जाएगा तो ये इको डेवलप कर दिया जाता है सोशल टाइम साइड के ऊपर सोशल साइट प्लेटफॉर्म ये मीडिया ऐसा डेवलप कर देता है कि इससे बाहर ये जो इकोसिस्टम है ना इससे बाहर आपको निकलने का मौका ही नहीं देगा आप निकल के भी जाओगे तो एक चीज़ पप अप करेगा फिर उसको क्लिक करेंगे फिर आप उसमें चलते चले जाते हैं तो जिससे क्या होता है ये ऐसा ही को उसके बाद ये अपना काम करते हैं और राजस्व को उत्पन्न करने में ये योगदान करते हैं लेकिन ये ये नहीं करते कि फैक्ट चीज़ें क्या पढ़ना चाहिए फ्रीडम आप बताते हैं फ्रीडम लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसा ही सिस्टम है कि आपको ऑप्शन ही नहीं देगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो यहाँ पे फ्रीडम है हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक एक सिस्टम एक व्यक्ति ने एक साइड ने बांध के रख लिया है ठीक है हम इसी इको में डेवलप हो जाते हैं नेक्स्ट उसके बाद है कि हमारे पास जो आती है वो आधी अधूरी चीज़ें आती है राइट पूरी तरह से सारे चीज़ों को दिखाया नहीं जाता है लाइक फॉलोअ बढ़ाने के चक्कर में क्या आता है छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे दस मिनट का अभी एडिटिंग वाला तो सबसे अच्छा चल रहा है एडिट करके पाँच छः वीडियो को एडिट करके ऐसा बना देते हैं जो देखने में अच्छा लगता है लेकिन फैक्ट नहीं जाता मान लो कि किसी का स्पीच है दस मिनट का ठीक है उस स्पीच में वो फर्स्ट से ले लेके लास्ट में कंक्लूड करता है तो फिर पाते पता चलता है कि ये क्या कहना क्या चाहता है लेकिन जब वो इंट्रो स्टार्ट करता है उसी का क्लिप ले लिया एक घंटे एक दो मिनट का वो सोशल मीडिया पे आ जाता है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना स्टार्ट हो जाता है ये रह, ये नेता ये पोलिटिकल व्यक्ति या फिर ये कोई टीचर इन बातों को लेके इनका ये थाट है भैया आप किसी को एक मिनट से पता नहीं कर सकते आपको पता करना है तो उनकी पूरी दस मिनट की वीडियो देखना पड़ेगा फिर बाद में पता चलेगा कि ये क्या करना चाहते हैं राइट इन चीज़ों के आदि इससे क्या होता है राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला जिम्मेदारी ये लेते ही नहीं है इनको तो क्या है अपना फॉलोअर बढ़ाना अपना राजस्व बढ़ाना इनको राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा से लेके कोई रिलेटेड नहीं है ओके उसके बाद है अभी जो प्रतिस्पर्धा है संतुलन ख़त्म होते जा रहा है एक एक साइड दूसरे साइड क्या करते है प्रतिस्पर्धा है ये ये दिखाएंगे तो ये 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 दिखाएंगे इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या होती है प्रतिबंधित तो होता है राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा खतरे में आता है उसके बाद है गुमराह करने वाला दुरुपयोग ये जो गुमराह जैसा है सोशल मीडिया जनता को क्या करती है ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा लाती है उनके युद्ध आस्तर पर ऐसा चीज़ों को माहौल क्रिएट कर देते हैं कि इनको गुमराह कर दिया जाता है दुरुपयोग क्या कर जाता है उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है मैंने पहले ही डिस्कशन किया ये चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है यदि मान लो अभी कितना कुछ टाइम पहले ऐसा डेवलप हो चुका था कि हमारे जब सीमा विवाद चल रहा था आगे डिस्कशन करेंगे राइटर ने बताया है कि जब सीमा विवाद चल रहा था तो हमारे जो सेना है सेना के बारे में बहुत सारे ऐसे न्यूज है जो डेवलप कर दिया जाता था कि सेना हमारे सेना कमज़ोर है हमारे सेना के पास हथियार की कमी है ये सब सारे चीज़ें बाहर निकल के आती थी जिससे क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा खत्म होता था ओके और झूठी जानकारी फैलाया जाता है अलगावाद जो पत्थरबाजी आपने सुना था ना जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी होता था कहाँ से ये सोशल मीडिया ही का रोल था कि आज इस जगह पे हम आएंगे स्टार्ट होंगे और पत्थर फेंकना सभी स्टार्ट कर देते तो अलगावाद ये सब सारे चीज़ों को डेवलप करता है इन चीज़ों को राइट उसके बाद देखिए ये चीज़ों को आप देखिए इसमें राइटर बता रहे हैं एक मिनट एक फैक्ट और है भारत की इंटरनेशनल लेवल पे भारत की छवि खराब करने के लिए आपने बहुत ऐसा चीज़ें देखा होगा जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ जब ट्रंप आए थे भारत में ट्रंप आए थे तो उसी समय दिल्ली में दिल्ली में दंगा भड़का था पता है सोशल मीडिया से लेकर दंगा भड़का था ये इंटरनेशनल लेवल पे ये कहना चाहते थे कि हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों को शोषण किया जाता है ठीक है उनको फ्रीडम नहीं है उनकी फ्रीडम आज़ादी नहीं है ये ये चीज़ें आई थी उसके बाद आप देखो कि अभी जब किसान आंदोलन था तो इंटरनेशनल लेवल पे ये दिया गया था कि किसानों को यहाँ पे ये आज़ादी नहीं है ये करने की आज़ादी नहीं है। एक सारे चीज़ें क्या है ये पूरा उसके बाद जब सीमा विवाद चल रहा था तो हमारे सैन्य भारतीय सैनिक को लेकर मनोबल को कम करने के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिविटी चलाया जा रहा था मानवाधिकार का उल्लंघन कश्मीर में बताया जाता है इसमें पाकिस्तान फंडिंग करता है कि आप सोशल मीडिया पर ऐसा चलाओ कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है कहाँ पे कश्मीर में ये सारे चीज़ें डिस्कशन होता है क्यों क्योंकि भारत की छवि खराब किया जाए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत जो विश्व गुरु बनना चाहता है ना ये ना बन पाए और इनकी छवि खराब किया जाए यदि मान लो तो कि कोई देश आता है उनके पास तो ये छवि बनेगी ना तो भारत में ऐसा है अल्पसंख्यकों को ये किया जाता है मानवाधिकार मानव हम जाते हैं मानवाधिकार के बात करते हैं यूएन में लेकिन कोई हमें पूछ देगा ना आपके यहाँ तो खुद मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है कश्मीर में ये सारे इशू होते हैं जिससे कि वो, वो क्या करते हैं दूसरे देश हमें छवि को खराब करने का कोशिश करते हैं राइट देखिए अब राइटर के द्वारा सजेशन दिया जाता है कि आगे का है वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए इनका कहना है कि नियम कुछ ऐसा आप नियम बनाइए ठीक है लागू करवाइए जिससे कि इन पर हमारा जो सॉबर्नेटी है और राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर कार्रवाई लग सके कोई फ्री फ्रीडम है लेकिन आप उसी न्यूज़ को ज़्यादा तोज्जो दे ज़्यादा फैलाए जिसकी फैक्ट है जो सही न्यूज़ है ऐसा नहीं कि ऐसा न्यूज़ को फैलाए जिसमें फैक्ट निक की कमी हो तो सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए इन पर नियम बनाना चाहिए आईटी नियम को लागू करना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे को कम किया जा सके ओके और डेटा डेटा और डेटा जो चोरी होती है ना डेटा चोरी इनको भी इन पर भी प्रतिबंधित लगाना चाहिए प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसे देखिए डेटा चोरी सॉरी डेटा को चोरी करने का आपने हाल ही में सुना होगा कि व्हाट्सएप व्हाट्सअप वाला इशू आया था व्हाट्सअप क्या करेगा अपने आप फेसबुक के साथ डेटा शेयर करेगा मान लेते हैं कि ए और बी बात करता है कि हमें आईफोन लेना है ए भी बात कर रहा है बीच में व्हाट्सअप देख रहा है ये फेसबुक को दे देगा कि आप लोग ठीक है फेसबुक क्या करेगा अब अप ये अपना डेटा देगा एमेज़ोन के साथ फ्लिपकार्ट के साथ ये सारे जो ई कॉमर्स कंपनी है अब ये कहीं भी जाएंगे तो इनको एक ही चीज़ दिखाएंगे कि आईफोन 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 फोन आई फोन टेन आई एलेवन जिससे कि क्या होगा कि इन ये इनको पता चलता जाएगा और इनकी फ्रीडम को नुकसान पहुंचा रहा है हर वक्त क्लिक आ रहा है तो ये डेटा चोरी इसी को बोलते हैं डेटा तो इसको भी सुरक्षा होना चाहिए उसके बाद है कि कट्टरपंथ कट्टरपंथ से जोखिम को कम करना चाहिए ठीक है आई सुरक्षा को बढ़ाना समुदाय को बढ़ाना चाहिए यूट्यूब पर जो है कंटेंट इंस्टाग्राम पे इनकी सारी चीज़ों को इनके कर्मचारियों के पास फ्रीडम होना चाहिए इनकी वकालत करिए राइट तो उसके बाद है एक चीज़ है इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं कि हमारे जो बढ़ती आबादी है युवा आबादी इनको नॉलेज की ज़रूरत है इनको शिक्षा की जरूरत है साक्षरता की ज़रूरत है इनको साक्षरता के लिए हमें क्या करना चाहिए डिजिटल साक्षरता को अत्यंत आवश्यकता है बढ़ाने का क्योंकि आपको पता है यदि डिजिटल माध्यम से कोई व्यक्ति यदि गांव में भी रह सकता है रहता है तो उस शहर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर सकता है डिजिटल माध्यम से जैसे आप कोई गांव में होगे और मैं यहां से यह ड्यूटोरियल डिस्कशन कर रहा हूं दिल्ली से आपके पास जा रहा है यदि आ, ऐसा रहता ऑफलाइन का सिस्टम रहता तो आप दिल्ली आते फिर जाके यहाँ पे क्लास करते लंबा चौड़ा फीस जमा करते फिर जाके आपको हो पाता अभी क्या है फ्री टू एक्सेस फ्री में आप एक्सेस कर रहे हो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ गए तो ये चीज़ें राइटर बता रहे हैं तो इस आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया ये सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इशू है इसको और सरकार को क्या करना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है आगे का नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये है लचीला स्वास्थ्य एक मिनट यह है लचीला स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली लचीला स्वास्थ्य पर देखभाल प्रणाली क्या होता है देखिए महामारी के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपातकालीन स्थिति में सारी चीज़ें जैसे ऑक्सीजन को लेके प्रॉब्लम आ गया था वेंटिलेटर को समझ वेट को लेके प्रॉब्लम आया था कि वेट ही नहीं है वेट की कमी है ये लचीला होना चाहिए ये एक आप पे फ्रेमवर्क है यदि आपातकाल स्थिति आता है तो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करिए जिससे कि उसको तुरंत दूर किया जाए उस खामियों को समस्या को दूर किया जाए चुनौतियों को टेकल किया जाए इसके लिए देखिए एक लचीला स्वास्थ्य प्रणाली क्या होता है इसके झटके के लिए तैयार करना है ठीक है मतलब झटके में ये कि सडनली आप तैयारी हो जाओ ठीक है तैयारी कर लो इससे सीखने की ज़रूरत है क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है उसके बाद केंद्रीकृत मानक है उसके आधार पर करिए एक केंद्रीकृत मानक बनाया गया उसी को फॉलो करके उसके आधार पर करना चाहिए व्यापक रूप से करना चाहिए प्रोत्साहन देना चाहिए प्राथमिकता माध्यमिक और तृतीय तीनों स्तर पर इसको डेवलप करना चाहिए ओके इसमें उपाय बता रहे हैं राइटर राइटर बताना चाहता है ये डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए देखिए पोषण पेयजल स्वच्छता आवास परिवहन स्वास्थ्य ये जो सारी चीज़ें हैं ना डेवलप होना चाहिए आपको मैं बता देता हूँ एक इंफॉर्म कि हमारे यहाँ पे जब आप गांव के सेक्टर में जाओगे तो कोविड के टाइम में कोई गाड़ी ठीक है कोई वाहन नहीं होता था ट्रांसपोर्ट की इतनी कमी थी कि इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए यदि कोई वाहन भी आता था पता चल जाता था कि इसको इस कस्टमर को या इन पेशेंट को फीवर हुआ है तो आपको यहाँ से वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचाएंगे तो यहाँ पे यदि हमारे यहाँ पे गांव लेवल पे यदि एम्बुलेंस सर्विस को मजबूत किया जाए ठीक है तो इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी ये गांव तक शहर तक जा पाएंगे इसी तौर पर ये जो संबंधित इशू है आवास ऐसा होना चाहिए कि देखो हाइजेनिक बहुत ज़्यादा स्वच्छता की कमी बहुत ज़्यादा है पेयजल में स्वच्छता की कमी है पोषण आहार नहीं मिल पाता इन सारे चीज़ों को डेवलप करेंगे तब जाके स्वास्थ्य पर डेवलप होगा यदि आप सिर्फ अस्पताल बना लेंगे ठीक है तो इससे ये नहीं है कि आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया यदि व्यक्ति वो जल पिएगा तो वो बीमार ही नहीं होगा बीमार नहीं होगा तो यहाँ तक जाएगा नहीं तो ये सारे आयाम को डेवलप करने की जरूरत है उसके बाद आज की जो कर्मी है स्वास्थ्य कर्मी की जो कमी है उनमें निवेश करिए राइट उसको बढ़ाने का कोशिश बढ़ाने का बढ़ाना चाहिए उसमें निवेश पर्याप्त करना चाहिए और परिश्रमिक और समानजनक कार्य की परिस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए ऐसा कार्य आप दीजिए इको सिस्टम बनाए जहाँ पर वो कार्य किया जा सके और इस कर्मचारी को जो कमी है आपको पता है कोविड के टाइम में कितने ज़्यादा नर्स के डॉक्टर के कमी को झेलना पड़ा कि अभी जो एम बी बी एस की जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है उनको भी इसमें प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इसको भी वो ये जो स्टूडेंट है इनको भी अब प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा लाना चाहिए तो वो सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है थीके? उसके बाद देखिए शिक्षा के मानकों में सुधार होना चाहिए शिक्षा के शिक्षा जो है ना एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन जो है चिकित्सा हेल्थ उसको भी मानक में सुधार करने की जरूरत है उनमें और इसमें वृद्धि करने की व्यापारिक सुविधा को आवश्यकता है ओके उसके बाद है कि व्यक्तियों के पास सूचना जो कार्यक्रम चलता है सेवा प्रदाता है ओके कार्यक्रम चलता है नीति निर्माण होता है उनकी अभाव होती है ओके उनकी जानकारी का अभाव होता है सूचना ही नहीं होता है उनके पास तो ये जो वास्तविक समय में जो युग डेटा होता है उसको उच्च गुणवत्ता वाले सूचना प्रणाली में निवेश करना चाहिए इस पर निवेश करिए जिससे कि जनता को पता चले कि क्या है उनको यही नहीं पता है कि हमारे जिला में किस जगह पे कोविड सेंटर बनाया गया है समझ गए वैक्सीनेशन कहाँ पे होता है इन सारे जानकारी को आपको सूचना के माध्यम से प्रदान करना चाहिए ओके उसके बाद है नेक्स्ट है कि एकीकृत कर, एकी चेतावनी प्रणाली एकीकृत चेतावनी प्रणाली को डेवलप करना चाहिए नागरिक समाज संगठन नागरिक समाज संगठन जो फूल है उसको भी कामगार में लाया जा सकता है जो ये पंचायती राज व्यवस्था है उनको भी आपको डेवलप करने की जरूरत है ये जो मुखिया का वार्ड मेंबर आशाकर्मी आंगनबाड़ी इन सभी के माध्यम से लोग जो वहाँ पे सार्वजनिक कार्यकर्ता होते हैं राइट वो कार्य करते हैं उनसे कंटैक्ट करके गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इन पुल को डेवलप करना चाहिए इन पुल को विकास करना चाहिए उसके बाद है संचालन में पारदर्शिता आना चाहिए स्पष्ट नियम होना चाहिए जी और इसमें ये होना चाहिए कि निजी जो क्षेत्र है ना उसको भी आप योगदान मिलाए लचीले जो तो क्या होगा ना यदि ये, ये सारे चीजें रहेंगे फिर जाके आप किसी भी जगह पे जहाँ पे जरूरत है आप तुरंत तुरंत वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड कर सकते हो सुविधा पहुँचा सकते हैं यदि आपके पास ये डेवलप नहीं है तो आप सुविधा पहुँचा नहीं सकते उसके बाद देखिए उत्तरदायित्व और सामाजिक जो आकेशन मतलब होता है सोशल ऑडिट सोशल ऑडिट मतलब ये होता है सामाजिक एक्शन मतलब ये होता है इस वर्ड का मीनिंग समझिएगा कि जो जिस पेपर जिस पेपर टू तो ये वर्ड आपको मिलेगा ओके okay. गवर्नेंस में तो इसमें ये होना चाहिए कि आप ऐसा डेवलप करो जिससे कि आप गांव के लेवल से इनपुट लो कि क्या इस स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जाते हैं क्या ये स्वास्थ्य केंद्र में नर्स की उपलब्धता होती है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे लाइट रहता है ऐसे भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर लाइट के अभाव है ठीक है ये सारी चीज़ों को इससे सोशल ऑडिट के माध्यम से आपको डेवलप करना है उसके बाद क्या है जितने भी सरकार के द्वारा अभी जो एम्स के लेके मजदूरी दिया गया है और मेडिकल कॉलेज एक सौ संतावन और बाईस एम्स नए एम्स को मजदूरी दिया गया है इनको डेवलप करना है ठीक है इनको शीघ्र से जल्दी से आपको डेवलप करना चाहिए जितना जल्दी हो जाएगा उसके बाद है ई संजीवनी करके जो गवर्नमेंट का पोर्टल चलता है जिसमें टेली शिक्षा टेली कॉन्फ्रेंस कौ, मंच इसको विस्तार करने की ज़रूरत है इसको डेवलप करने की क्योंकि अभी आपको पता है इससे पहले आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया है कि सोशल मीडिया का किस तरह से आपको रोल अच्छे से अच्छे अदा करना है ये जो डिजिटल है ना डिजिटल चीज़ों को आप यदि अच्छी चीज़ों से करेंगे इसका सही उपयोग करेंगे इनकी जितनी भी पोटेंशल है उसका यदि पूरा उपयोग करेंगे तो हम सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं ओके एक इन्फॉर्मेशन आ जाता था अभी के टाइम में आपको पता है कि अठारह से लेकर चौबालीस साल का भी व्यक्ति को कोरोना लगता है ठीक है टीका लगता है वैक्सीन लेकिन कितने व्यक्ति को यही नहीं पता है गांव लेवल पे एक तो उनके पास मोबाइल नहीं है रजिस्टर करने के लिए मोबाइल का कमी है दूसरा चीज यदि उनके पास मोबाइल है तो वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं उनके पास उतना नॉलेज नहीं है ठीक है तीसरा तीसरा ये है कि यदि किसी के पास मोबाइल ही है तो उनको पता ही नहीं चलता कब स्लॉट ओपन हुआ है कब स्लॉट बंद हो गया हर समय वो देखते हैं कि स्लॉट बंद है इन सारी चीज़ों को टैकल करते हैं आप इनको क्या करना चाहिए कि किसी गाँव लेवल पर मास लेवल पर जो आशाकर्मी है उसके माध्यम से रजिस्टर करना स्टार्ट करना चाहिए ऐसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी खत्म करने के बाद चल रही है इसको ख़त्म करना चाहिए लेकिन ये सब सारे माध्यम है इससे क्या होगा जो जानकार व्यक्ति है जो थोड़ा सा शिक्षित है वही टीकाकरण करवा सकते हैं और तो जो जो गाँव में रहने वाले किसान है फार्मर है ये सब का नहीं करवा सकते जिनको जिनको एक्सेस नहीं है जिनके पास मोबाइल नहीं है वो टीकाकरण नहीं कर सकते ये सारी चीज़ों को आप डेवलप करना चाहिए डिजिटल के माध्यम से ओके उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अभियान जो है राष्ट्रीय समृद्धि स्वास्थ्य ये सारे सारे चीज़ों को सुविधाजनक और आवश्यकता करना चाहिए ठीक है तो आज हमने दो आर्टिकल डिस्कशन किया पहला जो आर्टिकल था सोशल मीडिया से रिलेटेड था दूसरा जो है वो मेडिकल तुरंत मेडिकल ठीक है लचीला मेडिकल से रिलेटेड था तो इस डिस्क्रिप्शन में इतना ही यदि इसका आपको पी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पोस्ट कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू सो मच